भाई सभी का स्वागत है और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिन पहले वो M4 5G की वीडियो लेकर आया था और मैंने बोला था ये लॉन्च होने वाला है जल्दी। और साथ में एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है, पोको M4 4G। मतलब ये दो फ़ोन हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक 4G है एक 5G है। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई ये फ़ोन कैसे आए हैं, कि भाई एक 5G एक 4G है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों अलग अलग फ़ोन हैं और एक है पोको M4 5G और एक है पोको M4 4G। ये दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं और जल्दी ही ये मार्केट में तो आ ही चुका। फ्लिपकार्ट पर इसकी सेल होती है, वहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पोको M4 4G है उसकी स्टार्टिंग रेंज है, रेंज 14,999 रुपये रखी गई है, जो कि वही 5G की जो पोको 5G जो पोको M4 5G फ़ोन है उसकी भी यही रेट है। मैक्सिमम मतलब 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यही रेट है। जो और वेरियंट है वो एक है 18,000 रुपये का और एक है 16,499 रुपये का। यानी आप ना ये जो पोको के फ़ोन हैं जो 4G में आया हुआ है सेम रेट है बिल्कुल, जो 4G है और 5G है दोनों सेम रेट हैं। तो आप इनको परचेज कर सकते हो। और ये कन्फ्यूजन था कि भाई अलग अलग मोबाइल, मतलब जो पोको का एक फ़ोन है पोको M4 5G, जो कि उसकी रेंज है करीबन 19,000, लगभग रेंज है 19,000 रुपये रेंज है। उसमें 8GB रैम और 128GB आपको स्टोरेज मिलती है। बस वही एक फ़ोन है जो सबसे महंगा है, लेकिन जो और फ़ोन है 3-4 जो वेरियंट है वो सेम है बिल्कुल। थोड़ा मतलब मेमोरी और फ़र्क हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम है कैमरे और उसके मामले बिल्कुल सेम है। और डिज़ाइन की बात करें तो वहाँ पर पोको ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंडस्केप में लिखा हुआ है, एक लैंडस्केप में है एक पोको और एक लैंडस्केप एक ओरिजिनल में लिखा हुआ है, बस यही फ़र्क है, लेकिन फ़ोन बिल्कुल सेम है। तो आप ना परचेज करने जाओ तो पोको M4 5G ही परचेज करना, पोको M4 4G मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी तो 5G लो उसी रेंज में। तो आप इन फ़ोनों को ले सकते हो, अच्छे फ़ोन है दोनों, अच्छे प्रोसेसर लगे हुए हैं और जल्दी से आपको इनकी सेल मिल जाएगी जो फ्लिपकार्ट पर ऑफिशियल साइट पर इसे मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, बने हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।